नमस्कार, मैं आर.एस. रोहिला आज आपको बताऊंगा कि बेसिल की प्रोपोगेशन हम कटिंग से कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने बेसिल के कुछ पौधे हैं और इनमें से ही हम कटिंग लेंगे। और कटिंग किस तरह से लेते हैं, कितनी बड़ी कटिंग होनी चाहिए और उसकी थिकनेस भी कितनी होनी चाहिए और हम उसको किस तरीके से लगाएं कि उसमें एक नया पौधा बन जाए और वही कटिंग एक नए पौधे की तरह हमारे सामने आए और एक नया पौधा डेवलप हो जाए। ये देखिए, ये एक बेसिल के पौधों की कटिंग है खूब सारी, इन्हीं में से हम कटिंग लेंगे। ये देखिए, अब कटिंग की जो लेंथ है वो 5 से 6 इंच तक की होनी चाहिए। ये अब हम या तो इसको कैंची से काटेंगे या फिर चाकू की धार से उसे काटेंगे ताकि जो कटिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, फटना नहीं चाहिए। वहाँ से बिल्कुल स्मूथ कटिंग होनी चाहिए उस जगह से, जिस भी जगह से हम चाहते हैं कि यहाँ से जड़ें आए और पौधा नया बन जाए, वो जगह बहुत ही स्मूथ कटिंग होनी चाहिए। वहाँ पे हमें हाथ से नहीं तोड़ना है उसको, टहनी को, और टहनी की थिकनेस भी देखिए कितनी मोटी होनी चाहिए और उसमें 4-5 पत्ते भी ज़रूर होने चाहिए ताकि पत्ते ही पौधे में ज़बरदस्ती जड़ें लेके आते हैं, उन्हीं की वजह से जड़ें आती हैं। और ये कुछ कटिंग यहाँ पे काटी जा रही हैं ताकि बाद में इन्हीं कटिंगों को हम आगे प्रोपोगेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ताकि यही कटिंगें सब की सब नए पौधे बने। देखिए, ये प्रोसेस इसलिए फॉलोअप किया जाता है, इसलिए प्रक्रिया में लाया जाता है, एक तो पौधा ट्रू टू टाइप मिल जाता है, पौधा वही मिलेगा आपको जिससे आपने लिया है, उससे बदला हुआ नहीं मिलेगा। बीज कई बार ओपन पोलिनेटेड होते हैं, वो किसी और से पोलिनेट हो जाते हैं और उसी फैमिली की कोई दूसरी चीज़ भी उसमें निकल आती है। ये देखिए, ये अब इतना बड़ा पौधा है और कई बार हम बीज से जब बनाते हैं तो हमको बीज नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रे ली गई है, इस ट्रे के अंदर पीट मॉस भरा गया है। ये देखिए, एग्रो पीट भी आप इसे कह सकते हैं। और ये डिकम्पोज्ड कोकोपीट होता है, डिकम्पोजिशन की इसमें अब और ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, ये एक तरह से कोकोपीट की खाद बनी हुई है। और इन्हीं में हम कोई और भी चीज़ आप ले सकते हैं कटिंग के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रे अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई छोटा कंटेनर ले सकते हैं, उसमें ये थोड़ा एग्रोपीट भरें। आप जड़ें मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मिट्टी में भी इस तरह से कटिंग लगाएंगे अगर आप बेसिल की, तो बेसिल में जड़ें आ जाती हैं। ये देखिए, हमने आज इसे काटा है, सिर्फ एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर इसमें जड़ें आ जाती हैं और 10 दिन में एक नया पौधा बन जाता है जिसकी हाइट ये 4 से 5 इंच होती है। तो 4 से 5 इंच का हमें पौधा रेडी मिल जाता है। अगर हम इसको सीड से बनाते हैं, बीज से अगर हम बनाते हैं, तो अगर हम बीज का पैकेट खरीद के लाते हैं तो उतने पौधे हमें नहीं ज़रूरत होती है, उसमें 1000 बीज भी हो सकते हैं, बहुत छोटा बीज होता है बेसिल का, 1000 बीज भी हो सकते हैं, 2000 बीज भी हो सकते हैं, आपको महंगा भी पड़ सकता है, वो ट्रू टू टाइप भी हो सकता है ना हो, अवेलेबिलिटी भी हो सकता है ना मिले आपको, कहीं बेसिल के बीज नहीं मिल रहे हैं किसी दुकान के ऊपर, तो आप कहीं भी बेसिल का कोई पौधा देखें, उससे आप छोटी सी कटिंग 2-4-5 कटिंग काट के ला सकते हैं और आप अपने गमले में मिट्टी भर के भी इस तरीके से इस पौधे को डेवलप कर सकते हैं, पौधा नया बना सकते हैं। कटिंग को अंदाज़ा करीब
1/3 उसमें जमीन में डालिए या कोकोपीट में डालिए या कोकोपीट मॉस में डालिए, एग्रोपीट में डालिए, जो भी मीडिया आप ले रहे हैं जिसमें आप इस पौधे की जड़ें चाहते हैं, ये सब आपने इसमें लगा दिया है। और बाद में आप थोड़ा पानी देंगे इसमें ताकि कम्पैक्ट हो जाए, और नमी अगर पूरी होगी मीडिया में तो जड़ें ज़रूर आएंगी। लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि आप किस मौसम में ये कटिंग लगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसमें देखिए यही इसी टाइम पे यही एक ट्रे है जो इसी तरीके से लगाई गई है। अभी हम देखेंगे इसमें जड़ें किस तरह से निकली हुई हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छी जड़ें इसमें आती हैं, और यही एक नया पौधा आपके लिए काम करेगा। आपको खाली तो ये एक नया पौधा आपके सामने है। बीज कई बार हम देखते हैं हमें नहीं मिल पाते हैं, या इस कोई पौधा हमारे पास तो था उससे हम सही समय पर बीज नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से कोई भी पौधा जब हम चाहते हैं कि बेसल का हमारे पास हो, तो इस तरह से आप कहीं से भी किसी भी पौधे से जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है आप छोटी छोटी कटिंग काट के ला सकते हैं, और अपने ही घर में मिट्टी में भी इसे बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको सर्वाइवलिटी चाहिए है, बहुत ज़्यादा पौधे आपको अगर चाहिए हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपने 100 कटिंग लगाई तो 100 में से कम 90 पौधे तो आपको मिलने ही चाहिए, जड़ें भी अच्छी बने, तो आप मीडिया अच्छा ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप मीडिया अच्छा लें, और अगर घर में आपको अगर लगानी है तो किसी भी कंटेनर में आप मिट्टी डालकर और बेसिल की कटिंग को आप उसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा कंपैक्ट जरूर कर देंगे उसको ताकि अंदर सांस ना जाए, ताकि जो भी जगह जिस भी जगह आपकी कटिंग बनेंगी जब जड़ें बनेंगी जड़ें आएंगी निकल के उसमें हवा नहीं जानी चाहिए तो जड़ें निकल आती हैं। और वैसे तो आप किसी भी जनरली कोई भी वैरायटी है पौधे की उसको आप कटिंग से बना सकते हैं, और बेसिल का पौधा तो बहुत ही आराम से बन जाता है। हर हालत में आपको एक नया पौधा मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखिए ये अलग अलग पौधे दिखाए जा रहे हैं। अब इसे हम गमले में लगाने की कोशिश करेंगे ताकि गमले में ये डेवलप हो जाए, और गमले में ही हम इसे यूज करेंगे क्योंकि जगह कम होती है घर में, तो गमले में और भी खूब सारे पौधे लगे होते हैं, और उन्हीं पौधों के बीच में हम बेसिल भी रखेंगे। तो बेसिल की चटनी जनरली लोग यूज करते हैं, बेसिल को आप सलाद में भी यूज कर सकते हैं, और सैंडविच बनाते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और अगर आप वेजिटेबल जूस बनाते हैं उसमें भी बेसिल डाल सकते हैं। ये एक तरह की इटालियन तुलसी होती है, लेकिन इसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप एक नया गमला बना सकते हैं जिससे कि आप घर में आसानी से यूज कर सकते हैं।